हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल आशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि शिक्षकों के यहाँ पर जो है वेतन संबंधित अपडेट आया है, जो देख सकते हैं दिया हुआ है कि जल्द मिलेगा 2 लाख शिक्षकों को जुलाई का वेतन, जून का जारी। यानी कि यहाँ पर बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसके बाद जो पदों पर भर्ती हुई, तो इसके बाद सरकारी शिक्षकों के यहाँ पर जो है 2 लाख शिक्षक करीब हैं, इनको बताया जा रहा है जल्दी जो है जुलाई का वेतन दिया जाएगा, जबकि जून का वेतन जो है इनका जारी कर दिया गया है। तो पूरा अपडेट हम इस वीडियो में देखते हैं, जो कि शिक्षकों के वेतन से संबंधित है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में आने वाले 2 लाख से अधिक शिक्षकों का जुलाई का वेतन जो है जल्दी मिल जाएगा। यानी कि शिक्षक अगर अपने जुलाई के वेतन के लिए परेशान है तो उनका जुलाई का वेतन जल्दी मिल जाएगा, और शिक्षा विभाग इस मद में राशि जारी होने के इंतज़ार है। यानी कि शिक्षा विभाग को बस यहाँ पर जो है राशि जारी होने का इंतज़ार है। जैसे ही राशि जारी कर दी जाती है तो उनके खाते में जो है राशि भेज दी जाएगी। और बताया जा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, दरअसल वेतन भुगतान के लिए राशि जारी करने में वित्त विभाग से सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। यानी कि वित्त विभाग से तो इसकी सहमति हो चुकी है। राहत की बात है कि जून का वेतन अभी हाल ही में जारी कर दिया गया है। यानी कि राहत बताया जा रहा है कि जून का वेतन जो है अभी हाल ही में जारी किया गया है, और अब जल्दी जुलाई का भी वेतन यहाँ पर जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी जो अगस्त आ गया है। और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग से राशि की स्वीकृति आते ही यह राशि जिलों को भेज दी जाएगी। यानी कि सूत्रों के अनुसार से यहाँ पर खबर आया है कि वित्त विभाग से जैसे ही राशि की स्वीकृति होती है, जितनी राशि की स्वीकृति होगी यह राशि जल्दी सारे जो है जिलों को भेज दी जाएगी। और फिलहाल जुलाई का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो सका है। यानी कि वेतन भुगतान की बात करें तो अभी तक जुलाई मंथ का नहीं हुआ, लेकिन जून का हो चुका है। और ख़ास बात यह है कि अगस्त में वार्षिक वृद्धि के साथ वेतन दिया जाना है, और यह राशि जुलाई के वेतन में जुड़कर आती है। और यहाँ पर जुलाई के वेतन की बात की जा रही है कि इसलिए खास है क्योंकि अगस्त में जो है वार्षिक वृद्धि के साथ वेतन दिया जाता है। यानी कि जो साल दर साल यहाँ पर जो वेतन में वृद्धि होती है, तो अगस्त में वैसे ही जो पैसा दिया जाता है, और यह जो पैसा है वह जुलाई के वेतन में जुड़कर आता है, इसलिए यहाँ जो है खास इसको यहाँ पर बताया जा रहा है। और देख सकते दिया हुआ छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों की भी जो उम्मीद है वह बढ़ी है। और इधर छठे चरण के नियोजित शिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि भी ख़त्म हुए करीब 5 माह हो चुके हैं, और अभी उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है। यानी कि दिया हुआ है कि जो नियोजित शिक्षक है, इनका जो ट्रेनिंग का जो पीरियड था वह ख़त्म हो चुके हैं, अभी 5 मंथ हो चुके हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक इनका जो पूरा वेतन जो नहीं मिल पा रहा है। तो इनको भी जो है उम्मीद बढ़ा है, और जल्द ही यहाँ पर बस वित्त विभाग से जो राशि है वो जारी होने का इंतज़ार किया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही जो शिक्षकों को जुलाई का वेतन सभी को भेज दिया जाएगा। तो हमारा आज का अपडेट रहा। इससे जुड़े और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।